अतुल, अनिल विज भी तैयार हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी तैयार हैं, बनवारी लाल भी तैयार हैं, और जितने भी आप कहें कि हरियाणा की राजनीति में जी वो किस्मत आजमाना चाहते हैं उनको भी हम सुनेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास चलते हैं, उनकी क्या तैयारी है उसको भी एक बार सुनते हैं, फिर वापस आपके पास लौटूंगा। ने मुख्यमंत्री बनाया है, क्या उसका कोई फायदा आपको होते भाजपा को नहीं दिख रहा है? और कांग्रेस इन फाइटिंग से जूझती रहती है, जिसकी खबरें आमतौर पर सामने आती रहती है। कांग्रेस में खेमे हैं और हर खेमे में मुख्यमंत्री का एक चेहरा है। ये तो देखो, बात यह है कि जहां तक भाजपा की बात है, और आपने जैसे कहा, मैंने वो उसको भी 10 साल देखा है भाजपा में, जब बोलने का ही आपको इजाजत ना हो, यानी आप अपनी पार्टी को ये मान के चलो कि जो हम बोलते हैं, जो ऊपर का नेतृत्व तो बोलता है वही सही है, बाकी किसी को बोलने की जरूरत नहीं, तो उस पार्टी में डीमोरलाइजेशन निरुत्साहित हो जाता है वहां का वोटर और वहां का जो भी सेम्पथाइजर है और वहां का वर्कर। तो आज के दिन वर्कर उनके कागजों में तो हो सकते हैं लाखों की संख्या हो, जैसे बताते हैं कि पन्ना प्रमुख 3,27,000, लेकिन सही मायने में पूछो तो 5% वर्कर भी आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो प्रचार प्रसार नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं पार्टी के लिए लड़ा, लेकिन मुझे तो ना तो राजनीतिक तौर पे मेरी कोई पहचान हुई, ना मेरे को पार्टी ने इस लायक समझा कि वो मेरा कोई ऐसा एक पोजीशन, एक ऐसा मेरा काम लगे लोगों को, मैंने लोगों के लिए कुछ किया, लोगों की समस्याओं को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास मैं जाऊं, मेरी पहचान ना हो, थाने वाले मेरे ना पूछें, तहसीलदार मेरे नहीं पूछे, BDO मेरे को दफ्तर में घुसने ना दे, इस किस्म की मानसिकता आज के दिन BJP के कार्यकर्ता में है, इसलिए वो उत्साह नाम से दूर है। लेकिन अब अग्निवीर को लेकर कोई गुस्सा है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान किया है सरकारी नौकरी। ये अग्निवीर का ऐलान नहीं है, ये ऐलान ये है कि तुम्हारे को रखेंगे 4 साल के लिए फौज में, जब तुम्हारे को वहां से छुट्टी मिलेगी तो हम ये करेंगे। अग्निवीर ये नहीं है, अग्निवीर का मतलब ये है कि वो ये कहता है कि भारतीय सेनाओं में मुझे जो पद्धति है किसी भी सेना को मजबूत रखने की, आप एक 4 साल में 1 साल तो उसको ट्रेनिंग कराओ और फिर 3 साल में उसको फौज का सिपाही बना के भेज दो, ना तो किसी की प्रमोशन होगी, ना ही कोई इस लायक होगा कि वो अपने अगले जीवन को कैसे चलाए, क्या उसकी दशा होगी। तो आज पूरे तौर पे नाराजगी है अग्निवीर से, किसान पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा अपना ये मानते हैं कि इन